अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू असका खान किचन एंड व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हर हैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपके लिए लेके आई हूँ मसूर की दाल की रेसिपी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है 2 कप मसूर की दाल है, और इसको हमने वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर दिया है, और इसको हम डालेंगे सारी को इसके अंदर। उसके बाद मसाले में हमारे पास है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून नमक है, और 1/2 टीस्पून हल्दी है, जो कि हम ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास है 1 टीस्पून गार्लिक एंड जिंजर की पेस्ट है, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 कप वाटर। और अब इसको बॉइलिंग आता फिर बताते हैं क्या करना है आगे। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे इसकी लिड बंद कर दी है, और अब हम इसके अंदर स्टीम आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, स्टीम आते ही इसके ऊपर मैं वेट रख दूँगी, और इसको तकरीबन लो टू मीडियम हीट पे 8 to 10 मिनट्स के लिए अब हम इसको स्टीम देंगे। जैसा कि इसके अंदर स्टीम आ चुकी है, अब हम इसके ऊपर वेट रखेंगे और इसको 8 to 10 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम हीट पे इसको हम पकने देंगे। अब यहाँ पे हमारे 10 मिनट्स हो गए हैं, और अब हम इसकी स्टीम को रिलीज़ कर देंगे। और स्टीम रिलीज़ होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, हमारी जो सी है दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब यहाँ पे हमने अपने तड़के के लिए जो सा है ना, इसके अंदर मैंने 2 serving spoon ऑयल डाल चुका है, और अब हम इसको ये गर्म होता है तो फिर मैं इसके अंदर आपको बताती हूँ कि तड़के में कौन सी चीज़ें जाएंगी। अब यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो गया तड़के के लिए, और यहाँ पे हमारे पास है 3 fresh गार्लिक के क्लोव्स हैं, जिनको हमने बिल्कुल थिनली स्लाइस चॉप कर लिया है, और 1 green chili है, 3 to 4 ड्राइड रेड चिलीज हैं, और 1 teaspoon हमारे पास ज़ीरा है। अब हम इन सबको डाल देंगे इकट्ठा ही, और इनको हम भून लेंगे। और यहाँ देखें, ये हमारा तड़का रेडी हो रहा है। अब जो सा है यहाँ पे हमारा तड़का रेडी है, और मैं आपको तड़का डालते हुए दिखाती हूँ। बहुत मज़े की रेडी है। और यहाँ पे हम इसको लो टू मीडियम हीट के ऊपर इसको अब हम ना 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे, ताकि ज़रा ये तड़के के साथ अच्छी तरीके से पक जाए। अब ये 5 मिनट के बाद ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी है, और मैं आपको इसको डिश ऑफ करके दिखाती हूँ। और हाँ जी, यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी मसूर की दाल रेडी है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक और नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।